तो दोस्तों, मेरे जाने से पहले कुछ मीडिया वाले आ गए थे थोड़ा सा कुछ इंटरव्यू लेने के लिए। तो मैं दोस्तों उनके बारे में कुछ आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ। और वो सही चीज बोले हैं जो कि हम लोग के पंचायत में, वार्ड में, मतलब अपने पारा में अगर चावल नहीं मिलेगा दोस्तों, बच्चे लोगों को दोस्तों तो कैसा लगेगा। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोगों का बच्चा आंगनबाड़ी में जाते हैं पढ़ने के लिए या कुछ भी करने के लिए जाते हैं, वो खेलने के लिए जाते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन आंगनबाड़ी होता है मतलब छोटे बच्चों को सिखाने के लिए। तो दोस्तों उन लोगों को अगर भोजन न मिले, और जब ऊपर से आता है, पंचायत से आता है, पंचायत छोड़े जनपद से, जिला से आता है, जब खाना पीना बच्चे लोगों को उसको न मिले तो कैसा लगेगा आप लोगों को। और आप लोगों के शासन सत्ता ये सब कैसा सोचेंगे कि यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों उनके बारे में थोड़ा सा मीडिया वाले आ गए थे, उन लोगों को थोड़ा सा मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, वो क्या बोलते हैं, उसके बाद में आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि क्या बोल रहे हैं और कैसे बोले और क्या क्या नहीं मिल रहा है यहाँ, उसको मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इसके बाद आप लोग लाइन में लगे रहे और चलते रहिए मेरे साथ में। आप लोग भी चलिए, मैं तो हूँ ही यहाँ, मैं मतलब यहाँ हूँ लेकिन अभी चल जाऊंगा वहां। इसके बाद फिर यहाँ आके भी आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि कैसे बात किए हैं वो लोग और क्या क्या नहीं मिल रहा है उसके बारे में दिखा रहा हूँ, और कब तक नहीं मिला है और कब तक मिल रहा है उसको दिखा रहा हूँ दोस्तों। तो लाइन में लगे रहिए और चलते हैं मेरे साथ। बलरामपुर जिले के विकासखंड वाटर अंतर्गत आने वाला एक ग्राम पंचायत लोधी है, और आज ही मैं जो वहाँ पे मौजूद हूँ नागपानी का आंगनबाड़ी भवन केंद्र है। इस आंगनबाड़ी भवन केंद्र में छोटे छोटे बच्चे आते हैं, और ये आंगनबाड़ी केंद्र में एक महीने से यहाँ पे बच्चों को खाना नहीं मिला है, और न यहाँ पे रेजू जो बढ़ता है सुबह जो होता है न बच्चों को मिलता भी नहीं है, कैद में प्राप्त थी। इधर पर हम आज आए हुए हैं, इस फिजिकली स्पॉट पे आया हूँ, यहाँ पे सामने महिलाएं भी हैं जिनके बच्चे आते हैं। हम उनसे खुद बात करें कि यहाँ पे जब से खाना नहीं बनता है, आप लोग जो कार्यकर्ता है उनसे बात करते हैं तो कार्यकर्ता का क्या कहना है, और जो अधिकारी उनसे आप लोग बात करते हैं तो बोलते क्या है, इन सबसे पहले आपको बात करके बताते हैं। क्या नाम है आपका? रीता। तो रीता जी ये बताइए मेरे को, यहाँ पे आपके बच्चे आते हैं, हाँ। कितना दिन से खाना नहीं बना है? एक महीना। और सतुआ मिलता है? नहीं नहीं मिलता है। तो क्या बोलती है जो कार्यकर्ता है, आप लोग बोलते हैं तो बोलते हैं कि सतुए नहीं आए तो कहाँ रहेंगे। और जो खाना बच्चों को नहीं मिलता है आपके घर सामने में है, तो क्या बोलती है खाना को लेके, क्या नहीं है? चावल नहीं है, मिलवे नहीं किया है डीलर में, डीलर से चावल ही नहीं मिला है। नहीं। आपका क्या नाम है? राजपति। तो आपके आते हैं यहाँ पे बच्चे जो है? बच्चे आते हैं। मिलता है खाना? नहीं मिलता है, अगर नहीं मिलेगा खाना। आंगनबाड़ी रोज खुलता है? नहीं खुला ला, खुला ला वकने को ना खुली ना। और सतुआ उतुआ मिलता है कि नहीं? नहीं मिलता है। कितना महीना से नहीं मिला है? एक महीना, दो माह हो गई से, दो नहीं मिलता है। तो हम लोग कार्यकर्ता से नहीं बोलते हैं कि हम लोग को जो सतुआ ऊपर से आता है, क्या बोलते हैं डीलर आए नहीं तो क्या दे। क्या नाम है आपका? रविता। तो आपके बच्चे आते हैं तो यहाँ कुछ मिलता है बच्चों को खाने के लिए? कुछ नहीं। और खाना बच्चों को नहीं मिलता है क्या? वही तो बोल रहे कि चावल नहीं है तो कहाँ से, कहाँ से चुरे। कौन बोलता है ऐसे? मैडम, कार्यकर्ता बोलती है। हाँ। तो आप लोग नहीं बोलते हैं कि आगे से तो सब कुछ आता है, सब जगह बट रहा है, तो फिर आप कैसे नहीं देती हैं? बोलती है। मेरे सामने एक ग्रामीण भी है जिनके यहाँ से बच्चे आते हैं, मुझसे खुद बात कर। क्या नाम है आपका? मेरा संजय कुमार। तो संजय जी बताए, आंगनबाड़ी रोजाना खुलता है? रोजाना कभी फिलहाल एक माह से नहीं खुल रहा है। और जो आपके बच्चे आते हैं यहाँ तो मिलता है कि नहीं खाना वाना? नहीं मिलता है। तो मैडम क्या बोलती है? मैडम बोलती है कि वही चावल आता ही नहीं है तो कहाँ से हम घर से थोड़े देंगे। और जो बच्चों को रेड भी आता है, जो बच्चों को सतुआ जो आता है वो मिलता है? जी नहीं, अभी तो नहीं मिला। तो उसको लेके मैडम क्या बोलती है? उसको भी लेके यही बोलती है कि आइए नहीं रहा तो। आप लोग शिकायत नहीं करते हैं? कहाँ शिकायत की, अधिकारी बैठे हैं जो सरपंच सचिव है, जिम्मेदार प्रतिनिधि है, उनसे बात नहीं करते हैं कि यहाँ पे तो कुछ मिलता ही नहीं है? शिकायत नहीं किए हैं। मैं बता, तो भैया लोग आप लोग सुन गए होंगे, देख लिए होंगे, अगर इस जगह में चावल न मिले, सितुआ न मिले तो कैसा लगेगा। जो जब ऊपर से आ रहा है, अब ऊपर से जब आ रहा है और यहाँ पे न मिले तो सोचिए कैसा लगेगा। आप लोग सोच के बताइए कैसा लगेगा जब ऊपर से आ रहा है, तो अब इस बीच में कहाँ जा रहा है। अगर महीना में हर आंगनबाड़ी में न मिले, सब आंगनबाड़ी में ना मिले तब चलता है, तब तो चलता है, लेकिन अगर एक आंगनबाड़ी में ना मिले तो सोच लीजिए कैसा लगेगा आप लोगों कि बीच में खा रहे हैं, पधार रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। आप लोगों को पता है बीच में खा ही रहे होंगे ना, कोई तो कोई, ये नहीं बोल रहा हूँ कि आंगनबाड़ी खा रहे हैं या तो फिर वो खा रहे हैं जो पहुंचाने वाले हैं डीलर, वो खा रहे होंगे, या तो फिर और कौन खा सकता है, दूसरा कोई खा नहीं सकता है। तो दोस्तों इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कार्रवाई तो होना चाहिए जबरदस्त में, कैसे कि बच्चे लोगों का, भाई बच्चे लोगों का हक मारा जा रहा है, इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और इसके ऊपर कार्रवाई नहीं, बहुत कुछ होना चाहिए कि कितना खा लिए होंगे,
एक महीना दो महीने से बता रहे हैं कि नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो इनके ऊपर क्या करना चाहिए आप लोग सोच लीजिए। इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, जबरदस्त होना चाहिए, जो कि बच्चे लोगों का, एक बच्चे नहीं आंगनबाड़ी में कितने बच्चे आते होंगे, फिर भी नहीं तो 30-40 बच्चे तो आते होंगे, 30-40 बच्चे गिरीपर में आते होंगे, किसी की पारा में, पारा में 30-40 बच्चे होंगे ही होंगे, ये तो नामुमकिन वाली बातें नहीं है, होंगे ही होंगे 30-40 बच्चे। उनका हक मारा जा रहा है, उनका पेट मारा जा रहा है, तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए आप लोग बताइए। उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, उनका हक मिलना चाहिए बच्चे लोगों का, जो जिसके वजह से आ रहा है वहां से दाल चावल। तो दोस्तों अगर मुख्यमंत्री अमर भूपेश बघेल, क्या बोलते हैं काका, भूपेश बघेल काका, उनके पास अगर पहुंचे वीडियो तो उनको भी बता दीजिए कि इनके ये गांव में क्या हो रहा है, ये पारा में क्या हो रहा है, इनके यहाँ दो महीना से चावल सेतुआ कुछ नहीं मिल रहा है, इनके ऊपर क्या करना चाहिए। आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताइए कि मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, मीडिया वाला जो पूछा वो सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मीडिया वाला है तो इसकी वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं अपने से वीडियो नहीं बना रहा हूँ, अगर मैं अपने से वीडियो बनाता मैं खुद जाके वहां बनाता, अपना फेस दिखाता, लेकिन वहां पे मीडिया वाले आए थे इसलिए मैं भी अपना थोड़ा सा इंटरव्यू दे रहा हूँ आप लोगों के सामने, और वीडियो उन्हीं का मैं बनाया हूँ, ऐसे नहीं बनाया हूँ। तो दोस्तों थोड़ा सा उन लोगों के ऊपर थोड़ा सा जबरदस्त में कार्रवाई किया जाए। कैसे कि बोलो भाई, छोटे छोटे बच्चे लोगों का हक मार रहे हैं, मान लीजिए मेरे बच्चा रहे चाहे आपका बच्चा रहे, दोनों के ऊपर वही है, मतलब बच्चा है तो है ना, तो उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, थोड़ा सा उनके हक मिलना चाहिए। तो दोस्तों अगर मेरे हिसाब से गलत लगे सही लगे, लेकिन थोड़ा सा और आगे शेयर कर दीजिए वीडियो को, जो कि बच्चे लोगों के बारे में कुछ कुछ और आगे जानकारी उनको मिले, और बच्चे लोगों का हक मिलना चाहिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बच्चे लोगों का हक ना मिले, बच्चा है सबका बच्चा है, मेरा बच्चा है आपका बच्चा, सबका बच्चा होता है, बच्चा होता है, उनका हक मिलना चाहिए, कोई भी रहे सबके पास लड़ाई करेंगे, बच्चा आज छोटा है कल तो बढ़ाएगा, वो भी मतलब पैदा ले लिया, पैदा लेने तक दिक्कत रहता है, बढ़ाने के बाद मतलब कदम चलने चलते चलते वो भी आगे बढ़ सकता है, चलते चलते पहाड़ को चढ़ जाते हैं तो बच्चा तो आम बात है, वो तो तैयार हो जाएंगे, उसके हिसाब से आप लोग उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए जो उनका हक मार रहे हैं उनके ऊपर। ठीक है दोस्तों, आप लाइन में लगे थे और लगे हैं, तो दोस्तों यही तक मैं एंड करता हूँ वीडियो को, और इनके ऊपर कार्रवाई कीजिए, इनका हक मिलना चाहिए बच्चे लोगों का, तब तक लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत जय